इधर इजराइल में नई सरकार का गठन हुआ, उधर गाजा पट्टी पर काबिज हमास के आतंकियों पर कार्रवाई शुरू हो गई। हवाई हमलों के जरिए आतंकी अड्डों को तहस नहस कर दिया गया। ये पूरी घटना क्या है जरा ये समझ लीजिए। पिछले महीने 11 दिनों तक चले इसराइल हमास युद्ध का अंत एक सीज फायर के साथ हुआ, लेकिन इसराइल और गाजा एक बार फिर आमने सामने आ गए। मिली जानकारी के मुताबिक इसराइल ने गाजा पट्टी पर एक बार फिर हमला बोल दिया है। इसराइल ने सीज फायर तोड़ते हुए एक बार फिर गाजा की तरफ रॉकेट दागे, जिसे 21 मई को हुई सीज फायर के अंत के रूप में देखा जा रहा है। इसराइल द्वारा किया गया यह हमला सीज फायर समझौते के बाद सबसे बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है। इस हमले के बारे में इसराइल ने बताया है कि उसने यह हमला तब किया है जबकि हमास की तरफ से इसराइल की तरफ आग के गोले दागे गए हैं। इससे ठीक पहले ही इसराइली दक्षिण पंथियों ने पूर्वी जेरूसलम की तरफ मार्च किया था, जिसमें काफी नारेबाजी हुई थी। फिलिस्तीन इससे नाराज हुआ और हमास की तरफ से बताया जा रहा है कि आग के गोले तक दाग दिए गए, जिसके बाद इजरायली सेना ने इस कार्रवाई को अंजाम देने का मन बनाया। 11 दिनों तक चला हमास और इजरायल के बीच का युद्ध एक दशक के भीतर चौथा युद्ध था, जिसका अंत 21 मई 2021 के दिन एक सीज फायर समझौते के रूप में हुआ था। जिस सीज फायर समझौते का अब अंत होता नजर आ रहा है, इस युद्ध में इजराइल और हमास दोनों की तरफ से सैकड़ों हवाई हमले किए गए थे, जिसमें 250 से अधिक लोग मारे गए थे। उसमें अधिकतर हमास के आतंकी और फिलिस्तीनी नागरिक थे। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक बयान देते हुए कहा है कि उसके फाइटर विमानों ने खान यूनिस और गाजा शहर में हमास द्वारा संचालित किए जा रहे मिलिट्री अड्डों पर हमला किया। इजराइल आर्मी ने कहा है कि इन जगहों पर आतंकी गतिविधियां संचालित की जा रही थीं और इजरायली फोर्स ऐसी किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है, चाहे गाजा स्ट्रिप की तरफ से आतंकी गतिविधियों के रूप में युद्ध की दोबारा शुरुआत ही क्यों ना हो जाए। नई सरकार के बनते ही इजराइल के तेवर पहले से भी ज्यादा सख्त हो गए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में एक बार फिर उस क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है और सवाल है कि क्या इजराइल की नई सरकार इस बार वो करेगी जो फिलिस्तीन के वजूद पर ही खतरा साबित हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।